हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाला हूं तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना तो सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है शान की ही तरफ से मतलब कि जो शान है उन्होंने कल जो इंटरव्यू दिया हुआ था इसके बाद जो रफ्तार ने स्टोरीज डाली हुई थी इसके बाद बहुत सारे रैपर्स ने स्टोरीज डाली हुई हैं जो एम ई वे हैं उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था शान भाई पकड़ो अपने कान भाई रैप सीन को देख के काय को हो रहे ले परेशान

स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था किसी का दिल दुखा हो तो माफी सबको अपना आर्ट बहुत प्यारा है वी ऑल आर म्यूजिशियन प्यारी सी दुनिया है उस यार साथी रफ्तार ने जो सलीम मर्चेंट के साथ उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी हुई थी वो छोटी सी क्लिप उन्होंने शेयर करते हुए लिखा हुआ था लास्ट वन आई प्रोमिस बट उससे पहले सलीम भैया म्यूजिकलिटी ठीक ही थी ना यू कैन गाइड अवर कम्युनिटी बेटर साथ ही जो किटॉट है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था म्यूजिकलिटी तो बहुत है शायद पिछली बार दिखाई थी और उन्होंने नीचे जो शान है उन्होंने शायद एक कमेंट किया

किसी ने एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें कि लिखा हुआ था सान सेट दर्टेड रेप आर्टिस्ट आर ग्रेट एंड फ्लो बट सजेस्टेड दैट मच ऑफ पॉपुलर हिंदी रैप इज इजी म्यूजिक कंपनीज आर से मे नॉट बी ग्रेट म्यूजिक बट हमारे व्यूज आते हैं उसमें He added, और इसी को शेयर करते हुए सान ने लिखा हुआ था थैंक यू फॉर गेटिंग द पॉइंट आई वॉज मेकिंग एंड टेकिंग अफोर्ट टू एक्सप्लेन इट टू द रेस्ट अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू रैप एज अ जॉनरा और एनी आर्टिस्ट इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय